भारतीय सेना की सर्वोच्च पदक परमवीर चक्र से सम्मानित, जो सैन्य सेवा तथा उससे जुड़ी हुई लोगों को दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान है। ये पदक शत्रु के सामने अद्वितीय साहस और परम शूरता का परिचय देने पर दिया जाता है। दोस्तों, आज हम आपको मिलवाएंगे दूसरे वीर भारतीय सैनिक से, जिन्हें अपने जीवन काल में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। हम बात कर रहे हैं मेजर होशियार सिंह जी की। 5 मई 1937 को हरियाणा के सोनीपत में जन्मे मेजर होशियार सिंह जी वॉलीबॉल के अच्छे खिलाड़ी और अपनी राष्ट्रीय स्तर की टीम के कप्तान थे। जब इस टीम का एक मैच जाट रेजिमेंटल सेंटर के एक उच्च अधिकारी ने देखा तो वे होशियार सिंह जी से प्रभावित हुए। इसके बाद 1957 में होशियार सिंह जी ने सेना की जाट रेजिमेंट में प्रवेश किया और टीम में कमीशन लेने के बाद वे ऑफिसर बन गए। दोस्तों, 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ जीत को आसान बनाने में होशियार सिंह जी की दी गई महत्वपूर्ण सूचना का खास योगदान था। इसके बाद 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया, जब दोनों सेनाएं एक दूसरे के सैनिकों को खत्म करने का भरकस प्रयास कर रही थीं, तब होशियार सिंह जी घायल अवस्था में भी डटे रहे और लगातार दुश्मन सिपाहियों को एक के बाद एक रास्ते से हटाते रहे और अपने साथियों का हौसला बढ़ाते रहे। दोस्तों, जब युद्ध विराम की घोषणा की गई तब तक मेजर होशियार सिंह जी की बटालियन जीत दर्ज कर चुकी थी। युद्ध में अदम्य साहस और वीरता के लिए उन्हें सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। टीम मिक्स्ड माइंड्स मेजर होशियार सिंह जी और उनके वीर साथियों को नमन करती है।